नमस्कार, मैं हूं मनीषा बोंद्रे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता इस वक्त महाराष्ट्र के दौरे पर है। इस दौरे के जरिए विधानसभा चुनाव की समीक्षा की जा रही है, साथ ही प्रत्याशियों का परीक्षण कर आगामी रणनीति बनाई जा रही है। आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में सोमवार को तनाव हो गया है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठगुसे चले। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। मामला महाराष्ट्र के पूर्व पर्यटन मंत्री और मौजूदा विधायक आदित्य ठाकरे के दौरे को लेकर शुरू हुआ था। आदित्य ठाकरे संभाजीनगर पहुंचे थे, उनके जिले में आने का विरोध बीजेपी ने किया। वह होटल के बाहर पहुंचे थे। संभाजीनगर के रामा होटल के बाहर यह झड़प हुई। आदित्य ठाकरे इसी होटल में ठहरे थे। वह महाराष्ट्र स्वाभिमान यात्रा के तहत छत्रपति संभाजीनगर में दो दिवसीय दौरे पर आए थे। विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मांग की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख नेता और विधायक आदित्य ठाकरे महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा करने से पहले दिशा सालियान के मामले पर बात करें।